नेशनल जो एसेट्स हैं उनको सरकार बेचना तुरंत बंद करे, क्योंकि ये देश को बेचने की नीति है। ये जो बैंक्स का मर्जर किया हम उसका विरोध कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर पे जो हमला बोला उसका हम विरोध कर रहे हैं, कोडिफिकेशन की मैंने बात की सारी, हमारी सोशल सिक्योरिटी पे हमला बोल दिया, हमारे सेफ्टी के कानूनों के ऊपर हमला बोल दिया, हमारे 8 घंटे काम के प्रश्न के ऊपर हमला बोल दिया, हमारी जॉब सिक्योरिटी के ऊपर हमला बोल दिया है और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ले आए हैं, ये सारे हमारे प्रश्न हैं। पहली बात तो महंगाई पे तुरंत कंट्रोल लगना चाहिए, काम करने वाले हाथों को काम मिलना चाहिए, काम के पूरे दाम मिलने चाहिए और काम के स्थान पे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे श्रम कानून जो बदले जा रहे हैं कोडिफिकेशन पे, उस पर एकदम ब्रेक लगनी चाहिए और हमारे पब्लिक सेक्टर को नहीं बेचा जाना चाहिए। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर और नेचुरल, हमारी 8 जनवरी की हड़ताल जिन मुद्दों के ऊपर हो रही है, प्रश्नों के ऊपर हो रही है, उसमें सबसे मुखरित मुद्दा वो है जो पूरे हिंदुस्तानियों का मुद्दा है और वो है महंगाई का मुद्दा। महंगाई चरम सीमा पे जा रही है और उसके चलते हुए लोग बहुत पीड़ित हैं। उसको रोकना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करना, गरीब को सस्ता इनाज देने की सुविधा प्रदान करना, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, होर्डिंग को रोकना, वो सारे प्रावधान का हम चर्चा कर रहे हैं अपनी उस मांग के अंदर। दूसरी हमारी मांग है कि रोज़गार सबको चाहिए, रोजगार का सृजन करे ये सरकार, क्योंकि सरकार रोजगार छीनने का काम करती रही है। 10 करोड़ 5 साल में रोजगार देने थे इन्होंने, वो नहीं दिए। 5 करोड़ लोग रोजगार जो लोगों के नोटबंदी और GST के चलते छीन गए। इसलिए रोजगार एक सीरियस मुद्दा है जिसमें हमारा युवा भी जुड़ा है और हमारा जो मजदूर जिसको 1 दिन की 2 दिन की 4 दिन की कभी काम धंधा मिलती है, उन सबका ये प्रश्न है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि सरकार ने जो कोडिफिकेशन की प्रक्रिया चलाई है, जिसके जरिए से 150 वर्षों के संघर्षों में जितने हम कानून हासिल किए थे अंग्रेजी राज से लेके और फिर आज़ाद हिंदुस्तान में, उसके ऊपर मोदी सरकार ने हमला बोला है और उसके विरोध में हमारी ये आवाज़ है कि आप श्रमिकों के कानूनों को छीन रहे हो और श्रमिकों से बात करने की बजाय त्रिपक्षीय द्विपक्षीय वार्ताओं को तोड़ रहे हो, उसमें उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हो। उस कोडिफिकेशन के खिलाफ हम इस हड़ताल में उतरे। हमारा ये मुद्दा है कि पब्लिक सेक्टर को सरकार ये बेच रही है, हमारे प्राकृतिक साधनों को, हमारे कोल को, बॉक्साइट को या कॉपर को, सब रॉ मटेरियल को सस्ते भावों में सरकार जो है इंडियन कॉरपोरेट्स और विदेशी कॉरपोरेट्स को बेच रही है, जबकि इन नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए से इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस से देश का विकास करना चाहिए। इसलिए विकास का थोथा नारा देने वाली सरकार हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेल कर रही है और हमारे प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर को कौड़ियों के भावों में बेचने में लगी है। 100% FDI रेलवे में, डिफेंस में, फार्मा में, रिटेल ट्रेड में, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज में, इन सब में 100% की बात करने के साथ साथ अब इन्होंने कोल भी जोड़ दिया कि उसमें 100% FDI लाएंगे। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि कोर सेक्टर के अंदर FDI नहीं लाना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये समझ रहे हैं कि पेंशन सबको होना चाहिए, जो अनकवर्ड हैं उन सबको कम से कम जो है वो 6,000 का पेंशन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ये हमने मांग रखी है। हम किसानों की मांगों के साथ अपने को जोड़ा है, उनको जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। हम उनके संघर्षों के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि किसान संगठन भी इस बार 175 के करीब अपना प्लेटफॉर्म लेकर के इस 8 जनवरी की हड़ताल में हमारे साथ शामिल हुए हैं। छात्र हमारी इस हड़ताल में समर्थन करने के लिए, वर्किंग क्लास के साथ खड़ा होने के लिए शामिल हुए हैं। तो शिक्षा का विषय, जो हमारा स्वास्थ्य का विषय, पीने के पानी का विषय, मींस जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, हमारी सरकार से मांग है। उसको भी लेकर के हमारे इस तरीके से हमारे 13 प्रश्न हैं जिनमें ये सब प्रश्न जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ का मैंने चर्चा किया। तो ये एक सर्वव्यापी सब लोगों के प्रश्नों को शामिल करते हुए, वर्किंग क्लास के मुखरित मुद्दों को आगे रखते हुए, राम जनमानस के इश्यूज को साथ जोड़ते हुए हम इस हड़ताल में 8 जनवरी को शामिल हो रहे हैं।